हमसे जाने अनजाने में जितने पाप हो जाते हैं प्रतिदिन, उन पापों से मुक्ति के लिए हमारे यहां 5 यज्ञ बताए गए हैं, जिसमें से प्रथम यज्ञ है, आप माताएं जब खाना पकाती हैं तो प्रथम रोटी के बाद द्वितीय रोटी जो होती है उसके 5 छोटे छोटे टुकड़े लेकर उस पे चीनी या गुड़ रख कर आपको चूल्हे के चारों ओर रखना है, 5 ऐसे छोड़ देना है, ये अग्नि यज्ञ है। तो पहला यज्ञ ये करना है, दूसरा जो हमने पहला गौ माता के लिए निकाला, दूसरा ये किया, तीसरा ऊपर जो पक्षी हैं उनके लिए निकालना है, जिससे हमारे पितर आदि इत्यादि प्रसन्न होते हैं। चौथी रोटी हमको निकालनी है, हमारे आसपास कोई मंदिर, कोई साधु, कोई संत है तो, नहीं तो कोई ना कोई तो घर के बाहर आएगा, उसको दे दो। और पांचवी कुत्ते की रोटी, श्वान की रोटी, जिससे हमारे विरोध में कभी दुश्मन पैदा ना हो। ये 5 यज्ञ इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि आपसे जाने अनजाने में प्रतिदिन अनेकों हत्याएं, पैरों से दबकर कीट मर रहे हैं, ये हो रहा है, हमको नहीं दिख रहे मगर हो रहा है। इसमें भी विज्ञान ये है कि जो गाय की रोटी होती है, मान लीजिए गाय की रोटी आपने 4 इंच की बनाई है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए गाय की रोटी आपने 4 इंच की बनाई है तो आपके खाने की रोटी 5 इंच की होनी चाहिए। आपके खाने की रोटी 5 इंच की होनी चाहिए और कुत्ते की रोटी 7 इंच की होनी चाहिए, मतलब और 1.5 से 2 इंच बड़ी। ये प्रक्रिया है और ये करके देखिए आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। सुबह ठीक 4 बजे, 4:15 बज जाए तो अच्छी बात है, 3:30 हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं ना 4 बजे, और नहीं हो तो 5 बजे भी, महाराज कौन किसको रोक रहा है। आपके घर की देहरी पर जल डल जाना चाहिए माता लक्ष्मी के आवागमन के लिए, देहरी गीली हो जानी चाहिए 4 बजे। आप देखिए लक्ष्मी माता कैसी प्रसन्न होंगी। ये 5 यज्ञ करने वाला व्यक्ति पितरों को तो तृप्त करता ही करता है, प्रकृति को भी तृप्त करता है। आप इस विचार को जीवन में जरूर जोड़िएगा। अगर आप इस विचार पे काम करते हैं तो आप समझ लीजिए जीवन का कल्याण है।